तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं मोहा बीनने, और अभी मतलब दोपहर को आए हैं। और पहले सुबह सुबह जाते थे, लेकिन अब दोपहर को आना पड़ा। दोस्तों, डीलर फैमिली ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अभी 12 बज रहा है, और मौसम देखिए, अभी 2-3 दिन हो गया, 3-4 दिन, मतलब पूरा मौसम ख़राब किया हुआ। सुबह तो थोड़ा थोड़ा बरसात भी हो रहा था, ये देखिए। और अभी हम लोगों का मोहा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा गिर रहा था, लेकिन अभी सब ख़त्म हो गया बरसात की वजह से। और इधर देखिए हम लोग का मोहा, ऐसे में बीनने का मन नहीं करता है। ये देखिए कैसा दिख रहा है, पूरा काला पड़ गया है, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा सुखाए हुए हैं, इधर भी है इस साइड में, तो देखिए। और इसका रेट नहीं रहता है, ये पूरा काला हो जाएगा, और इसमें कीड़ा भी लग जाता है बरसात की वजह से, तो इसलिए रेट नहीं रहता है, इसका दाम अच्छे से नहीं जाता है। और देखिए, तो हम लोग का मेहनत बेकार हो जाता है। जो 20-25 चलता है वो 10 में लेंगे। अभी तो नहीं गए हैं, अभी थोड़ा मौसम खुला कर रहा है, इधर देखिए साफ सफाई चल रहा है। आज घर में है हमारे मैडम जी, इसलिए हाथ सफाई कर रही है। और मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया है, और इस समय आप लोग को कंटिन्यू ब्लॉग्स नहीं दे पा रहा था, इसके लिए सॉरी। और कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉग जाए। और इधर देखिए हम लोग का चिड़िया घर, इसमें से बच्चा भी उड़ा दिया है, क्या हुआ था। तो चलते हैं आप कुछ कुछ, अभी तो मौसम खोल रहा है थोड़ा थोड़ा, देखते हैं आप का काम करेंगे। और ठंड भी बढ़ गया है अभी, काम करे कि नहीं कहाँ से। अरे धूप नहीं कर रहा है, सब गोधरी, हम लोग इसको गोधरी बोलते हैं। तो इसका सफाई कर रहा है, और कल हम लोगों का राजेश आएगा, उसका पेपर ख़त्म हो गया है, हॉस्टल से आएगा कल, तो शायद लेने जाना पड़ेगा घर घोड़ा, बस से उधर से आएंगे, उधर को लेने जाना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब हमारा लैया पीला नीचे देख रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं मोहा बीनने, और अभी मतलब दोपहर को आए हैं। और पहले सुबह सुबह जाते थे, लेकिन अब दोपहर को आना पड़ रहा है। चलिए बीनते हैं, ये देखिए इधर बीन रही है हमारे मालकिन मोहा, इसको गोरवा खा दिया, अभी इस साइड को उधर वाला बाकी है। और अभी देखिए धूप खिला हुआ है, और इस साल हम लोग का आम भी ज़्यादातर नहीं फूला है, खाने के लिए मिल जाएगा शायद, गर्रा हवा पानी नहीं करेगा तो। तो चलिए अब बीनते हैं, चुटकी पकड़ लेते हैं,
ये देखिए मऊहा, कुछ ऐसा है। ये देखिए सुबह टाइम तो बरसात हो रहा था, इसीलिए सुबह टाइम कोई नहीं गया बिनने। अभी सब लोग खाना वाना खा के जा रहे हैं, और बरसात भी इस समय बहुत खराब कर दे रहा है, और जैसे खराब कर रहा है वैसे मऊहा भर आ गया था, मतलब ज़्यादा गिर रहा था मऊहा। और आज हमारे गांव में एक घर में छठी का निमंत्रण है, लेकिन हम लोग नहीं गए। 24 तारीख से फिर से शादी का स्टार्ट होगा, 24 से 20 मतलब 31 तारीख तक लगातार है दो घर में, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं वही कल वाले जगह, हम लोग का कोठार तरफ मऊहा बिन में। और कल ब्लॉग सब पूरा नहीं कर पाए, मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो आज का ब्लॉग को कल वाला ब्लॉग को आज चालू कर रहे हैं फिर से। और इधर आज थोड़ा मौसम खुला है हुआ है, चलिए आप इसको बाहर देते हैं। यहाँ एक आठ चालू हो रहा है, तो चलते हैं दोस्तों। मौसम इतना ख़राब किया था कि पूरा मऊहा का सीजन, मतलब जो मऊहा भर आया था वो ख़त्म हो गया। तो चलिए इसको बाहर देते हैं, और जो मऊहा अभी हम लोग के गांव देहात में यही एक मतलब खेती है मऊहा का, तो बरसात की वजह से मऊहा का रेट भी कम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा गिर रहा था और पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जो बाद में गिरेगा वही मऊहा गिरेगा, और यही हम लोग का एक मतलब अभी का सीजन में मात्र एक पैसा कमाने का मौका था, लेकिन बरसात की वजह से अब क्या कर सकते हैं, मौसम ही ख़राब कर देता है। तो चलिए अब बिनने चलते हैं, और आज हम लोग मैं अकेला हूँ, और संतोषी गई है दूसरे तरफ को, तो जल्दी जल्दी बिन के फिर उधर को जाऊँगा। तो चलते हैं अब बिनने, और अभी मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, देखिए लेकिन धूप में जाने से बहुत ज़्यादा धूप लगता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 12 भी बज गए हैं, और हम लोग लाए हैं देखिए टिफिन में भात है इसमें सब्जी। तो चलिए अब खाते हैं, भूख भी लग रहा है, फिर बिनेंगे मऊहा। तो चलिए अब खाना खाते हैं, और टाइम भी हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तो घर आ गए हैं, और इधर देखिए
बरसात हो रहा है, छोटा छोटा पानी। और अभी अभी पूरा मऊहा नहीं बीन पाए, पेड़ के पास ही है। देखिए अभी पूरा मऊहा को कैसे उठा दी है। तो चलते हैं अब। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय सत्य जय।